सिद्धांति ने कहा यद्वा अज्ञान से सूक्ष्म अवस्था लेश, अज्ञान के सूक्ष्म अवस्था का नाम लेश, अज्ञान नष्ट होने पर भी उसकी एक सूक्ष्म अवस्था माननी पड़ेगी ताकि प्रारंभ कर्म तजन्य फल के लिए आवश्यक है। दृष्टांत के लिए कि यथा जैसे मीमांसक लोग मानते हैं चाहे दृष्ट फल हो चाहे अदृष्ट फल हो, याग तो खत्म हो जाता है, उसके पास याग का ही एक सूक्ष्म अवस्था अदृष्ट नाम से पुण्य नाम से अन्य अन्य नामों से लोगों ने माना। जब तक वो फल नहीं देगा तब तक वो रहेगा कहाँ, और एक जन्म दो जन्म दस जन्म सौ जन्म कितने भी जन्म हैं इसको कोई भरोसा नहीं, वो रहेगा पूर्व, उस याग का फल मिलने तक वो आपके हृदय में अंतकरण में बना रहेगा। तो जब अनेकों जन्मों तक रहने वाले एक सूक्ष्म चीज आप याग के ध्वंस होने के बाद भी मान रहे हो, उसी प्रकार हम करें अभी तक ध्वंस होने की सूक्ष्म अवस्था मान लो दसवीं साल के लिए जब तक ये जीवन मुक्त आत्मा का शरीर जिंदा है तो आपत्ति कैसे मानने में। इसी यथा तस्मात् फले प्रवृत्तस्य यागादे शक्ति मात्रकम् उत्पत्तावपि पश्वादेर अपूर्वम न ततः पृथक। तस्मात् फले प्रवृत्तस्य यागादे, फल में फल की प्राप्ति के लिए ही व्यक्ति प्रवृत्त हुआ है यागादि करने में, और यागादि करने के बाद यागादे है कोई एक शक्ति मात्र मानना पड़ेगा। याग तो स्थूल रूप था, स्वाहा करा जा रहा, सामान लाया जा रहा, सब कुछ करके आपने पूरी प्रक्रिया है तो लंबी चौड़ी प्रक्रिया से बाह्य कर्मकांड आपने कर दिया, उसको एक शक्ति मात्र रूप आपको मानना पड़ेगा। उसका नाम अपूर्व रखो चाहे पुण्य रखो चाहे अदृष्ट रखो चाहे जो नाम रखो, यागादे शक्ति मात्र का अवशिष्यत है। कब तक? उत्पत्तौ पश्वादे, जब तक पश्वादि फल दृष्ट फल का जान के ले रहे, ये श्लोकवार्तिक है मीमांसा का, जब तक पश्वादि रूपा दृष्ट फल नहीं मिलता है तब तक शक्ति मात्र का स्थिति मानना पड़ेगा। न तथा पृथक, अपूर्वम न तथा पृथक, इसलिए अपूर्व से अलग कुछ नहीं है, इसी का नाम अपूर्व। पश्वादि फल के लिए करते ना, वायव्यम श्वेत माल भेद पशु काम स्वर्ग काम इंद्रिय काम पश्वादि फल जान के दृष्टि लिया, पशु तो अभी मिलना है ना, इसी जन्म में मिलना है, लेकिन याग किया खत्म हुआ तुरंत पशु खड़ा हो जाएगा क्या, मिल जाएगा क्या? तुरंत तो मिलता नहीं है, हवन किया आज भी कमजोर था, इंद्रिय कामना सिर्फ हवन कर दी तो हवन खत्म हो तो क्या एकदम बलवान हो जाएगा क्या? उसका फल स्वरूप शक्ति रहेगा, वो शक्ति कारण से धीरे धीरे खाएगा पिएगा हजम होने लगेगा, इसी याग का फल ही है, धीरे धीरे वो इंद्रिय उसके पुष्ट हो जाएंगे, दो चार साल वो भी धीरे धीरे ऐसा पैसा कमाते जाएगा याग के वजह से पशु कमाने वाला बन जाएगा, पशु फल मिल जाएगा उसको। मैंने वो शक्ति मात्र रूप में याग को अवस्थित मानना पड़ेगा, याग फलोत्पत्ति फलादेह उत्पत्तो अपि तत्शक्ति मात्र कम न तत् पृथक अपूर्वम भवती, उससे अलग कोई अपूर्व नहीं है। इस प्रकार से मान रीति वार्तिकी ने यागे गते अपि याग के ध्वंस होने पर भी याग सूक्ष्म अवस्था रूपम अपूर्वम, याग की एक सूक्ष्म अवस्था रूपा अपूर्व को यागे साधनता निर्वाह कम अंगीकृत, याग में फल साधनता की निर्वहन करने के लिए स्वीकार करना पड़ा, यदि याग नष्ट हो गया फल मिला नहीं क्या आपत्ति है, इसके लिए बीच में कपूर मानना पड़ता है। एक शक्ति वो याग का ही एक शक्ति स्वरूप ही है और कुछ नहीं अलग। तथा इसी प्रकार से अज्ञाने गते भी, हमारे मत भी कह रहा जीवन मुक्त व्यक्ति के लिए अज्ञान का नष्ट होने के बावजूद भी उसी अज्ञान का एक लेश एक अवस्था विशेष एक सूक्ष्म अवस्था माननी पड़ेगी, जब तक शरीर जिंदा रहना प्रारकन का फल भोग नहीं होगा तब तक वो बनाए रखेगा उसको। सूक्ष्म अवस्था रूपो लेशो देहादि प्रतीति अनुकूल, देहादि प्रतीति के अनुकूल स्वीकृत, हम भी स्वीकार करते हैं। स्वर्ग जनकता ग्राहक श्रुते रीव, इसे क्या प्रमाण है, उनके पास जो है ना स्वर्ग काम इंद्रिय काम पशु काम तो रस कहा है, यहां पर ऐसे विधेय मुक्ति काम है क्या कहीं? भाई जीवन मुक्ति बाद विधेय मुक्ति तक मैं जिंदा रहूं वो फल के लिए कोई कामना करे ऐसा कुछ तो विधि वाक्य तो है नहीं,
कहते हैं हमारे पास भी चावन्य विमोक्ष तो संपत्ति से श्रुति प्रमाण है। जीवन मुक्ति के बाद विधेय मुक्ति पर्ण की स्थिति के लिए कहते स्वर्ग जनकता ग्राहक श्रुतिरिव अत्रापि जीवन मुक्ति श्रुते है तादृग अर्थ स्वीकारात। जीवन मुक्ति श्रुति की सिद्धि के लिए हम इस अर्थ को स्वीकार करते हैं। तस्माद अविद्या लेशानुवृत्या जीवन मुक्ति रूपपन्नतरा, इस अविद्या लेश मान करके जीवन मुक्ति अवस्था देना ज्यादा उचित है पहले की अपेक्षा से। इसको उपपन्न तरा, वो भी उपपन्न है यानी उपपन्न तरा है, कहते ठीक है, लेकिन मुक्ति में जीवन मुक्त अवस्था में तारतम्य रहेगा कि नहीं रहेगा, और विधेय मुक्त अवस्था में तारतम्य रहेगा कि नहीं रहेगा। भाई मुक्त हो गया, मुक्त होने के बाद भी आनंद में हेरा फेरी रहेगा कि नहीं रहेगा, ऊंचा नीचा कम ज्यादा। भाई आप जीवन मुक्त हुए, हम भी जीवन मुक्त हैं, मान लो दोनों जीवन मुक्त हैं। भाई आपके अपने प्रारकर्म अलग ढंग का है, हमारा प्रारकर्म शरीर का अलग ढंग का है, इसे आपका अलग ढंग का आनंद होगा और हमारे लिए अलग ढंग का आनंद होना चाहिए ना, तारतम्य होना चाहिए ना, फर्क होना चाहिए कम बेसी। हम सिद्धांत पर तो एक ही रहेगा, सिद्धांत एक ही मानता है, इसमें तो फर्क पड़ना है नहीं, लेकिन पूर्व पक्ष कहेगा नहीं फर्क होना चाहिए, वो तो विधेय मुक्ति में फर्क मानता है, जीवन मुक्ति में छोड़े विधेय मुक्ति में भी वो फर्क मानता है, तारतम्य मानता है। भगवान के पास पहुंचने के बावजूद भी वहाँ भगवान भी जो है अलग अलग देगा आनंद, जैसे आनंद भी मांसा है शतगुण शतगुण शतगुण, वहाँ भी अंतर है कहता है पूर्व पक्षी, क्योंकि तो ईश्वर अधीन है ना, विधेय मुक्त भी ईश्वर रूप तो नहीं हुआ वो, इसलिए कह रहा है देखिए ये तो परमते अप्रोक्ष ज्ञानिनोपि स्व योग्य परमानंद हेतु परम काष्ठा आपन्न भक्त भावे तत्साध्यस्य बोचकस्य ईश्वर प्रसाद से अभावेन प्रारब्ध कर्मणा संसार अनुवृत्त जीवन मुक्ति तद्भावे तो प्रसाद से अभिभावेन निशेष दुख निवृत्ति विशिष्ट स्वतो नीचोच्च भावापन्न स्वरूप आनंद आविर्भाव रूपा भुक्तिर इति तन्ना। ये पूर्व पक्ष कहना है ये ठीक नहीं, मैंने परमात्मा द्वैत मत है कि उसने शुरू किया है अपने न्यायमृतकार ने अस्माकं तुमत है ऐसे कहा, उसी को इन्होंने अनुवाद करते हो परम मत में द्वैत मत है। अप्रोक्ष ज्ञानिनों अपी उनका मानना है जीवन मुक्ति और विधेय मुक्ति का यह अंतर सिद्ध करना है, वो कहता है जीवन मुक्ति और विधेय मुक्ति में अंतर बताना पड़ेगा क्या अंतर है। आपके अनुसार अप्रोक्ष ज्ञान में भी प्रथमत्व और चरमत्व कह रहे हैं, बीच प्रतिबंधक ही है आपका प्रारंभ कर्म, यह आपने कहा वहाँ भी अविद्या नाश हो गया, लेकिन प्रारब्ध कर्म पर प्रतिबंधक अभाव विशिष्ट अविद्या नाश नहीं था, अविद्या नाश है जीवन मुक्ति में किंतु प्रारब्ध कर्म अभाव विशिष्ट अविद्या नाश नहीं है, नहीं से जीवन मुक्त होऊंगा, और प्रारब्ध कर्म अभाव विशिष्ट अविद्या नाश हो जाए तब जा करके विधेय मुक्त होऊंगा। इन दोनों के आनंद में हमारा कोई तारतम्य नहीं, अविद्या नाश होने से प्रारब्ध कर्म की वजह से उसको आनंद में रुकावट नहीं है, स्थिति में रहना आनंद स्थिति में रहना, प्रारब्ध कर्म उसमें बाधक नहीं है। लेकिन उनका कहना है ऐसा अप्रोक्ष ज्ञान भले ही हो गया लेकिन पराभक्ति उसको भी मिला नहीं है, वो पराभक्ति को विधेय मुक्ति का साधन मानते और पराभक्ति जो ना ईश्वर की पूर्ण कृपा नहीं हो, ईश्वर की कृपा हुई थोड़ी हुई पूर्ण नहीं, थोड़ी कम है पूर्ण से, हाँ अन्य अंग की अपेक्षा ज्यादा है इसलिए तो अप्रोक्ष ज्ञान हो गया उसको, आम आदमी की अपेक्षा से भगवान की ईश्वर की उस पर ज्यादा कृपा है इसे कोई संशय नहीं, इन पराभक्ति के द्वारा प्राप्त पूर्ण प्रसाद वो नहीं है, इसे तारतम्य मानना पड़ेगा। ये अंतर बना दिया जीवन मुक्त और विधेय मुक्त में, जीवन मुक्त अगर और भक्ति करते रहेगा तो पराभक्ति उसके अंदर जागृत होगी तब ईश्वर की पूर्ण कृपा होगा तब विधेय मुक्त हो जाएगा। इन विधेय मुक्त में भी हो चाहे जीवन मुक्त में सभी में तारतम्य आनंद का ये उसका कहना है। देखिए अप्रोक्ष ज्ञानिनो भी स्व योग्य परमानंद हेतु, स्व योग्य परमानंद का कारणीभूता स्व परम काष्ठ आपन्न भक्त भावे, परम काष्ठ मीन पराभक्ति, परम काष्ठा को प्राप्त भक्ति के अभाव होने के कारण से
तत्साध्यस्य मोचकस्य ईश्वर प्रादस्य प्रसादस्य भावना, उसके द्वारा साध्य जो मोचक ईश्वर का कृपा है उसका भी अभाव मानना पड़ेगा, पूर्ण कृपा नहीं है, पूर्ण प्रसाद नहीं है। इसलिए प्रारकर्मणा संसार अनुवृत्त जीवन मुक्ति स्यात्। प्रारकर्म के द्वारा संसार की अनुवृत्ति है वो जीवन मुक्त अवस्था है। अप्रोक्ष ज्ञान रहते हुए पूर्ण कृपा पराभक्ति न होने से पूर्ण कृपा नहीं है, पूर्ण कृपा न होने से संसार की अनुवृत्ति भी उसके लिए रहता है। हमारे जैसे मिथ्या नहीं रहता है, उसके लिए संसार नित्य सत्य रहता है। उनकी जीवन मुक्त को संसार सत्य है, हमारे जीवन मुक्त संसार मुक्त मिथ्या मानता है। बाधा सामान्यकरण व्यवहार कह दिया, उनके तो सत्य व्यवहार होगा, ये अंतर है उनके और हमारे जीवन मुक्ति। और तद्भावे तो यदि पराभक्ति आ जाए तो प्रसाद से अभिभावे न, ईश्वर का प्रसाद पूर्ण रूप प्राप्त हो जाने से निशेष दुख निवृत्ति विशिष्ट, निशेष दुखों के निवृत्ति से विशिष्ट, मैंने जो प्रारंभ संसार की अनुवृत्ति थी वो संसार अनुवृत्ति पर दुख भी नहीं रह जाएगा, उसको संसार निवृत्त हो जाएगा उसके लिए। किंतु स्वतो नीचोच्च भावापन्न, स्वतः नीच रुच भाव को प्राप्त एक आनंद का आविर्भाव होगा उसको विधेय मुक्ति में। जीवन मुक्ति भी आनंद है, तारतम्य है, वहां भी आनंद है, तारतम्य। ऐसे मुक्ति होती विधेय मुक्ति उनकी, इति तन्न, ऐसा उनका कहना ठीक नहीं। तावदेव से चरम इत्यादि श्रुत्या अस्य उत्पन्न तत्व साक्षात्कार से प्रारकर्म क्षय मात्र में अपेक्षणीय कैवल्य संपत्ति अर्थम इति प्रतिपादन ईश्वर प्रसाद अपेक्षा वक्तुम अशक्यत्वात्। कि वहां पर तावदेव अस्य चरम श्रुतिकार है, तावदेव तस्वीर में लिख दिया अस्य चरम इति, तसे तावदेव चरम वहां पर वास्तव में है। तो छांदोग्य परिषद 6.14.2 में तसे तावद एव बोला है ना, इसका मतलब क्या, अन्य की अपेक्षा नहीं विधेय मुक्ति के लिए उतनी ही, मैंने जब तक प्रारकर्म का नाश नहीं तब तक, मैंने प्रारकर्म नाश की अपेक्षा ही अपेक्षित है विधेय मुक्ति के लिए, अन्य किसी की अपेक्षा नहीं है। और आप करें प्रारकर्म का नाश और ईश्वर का पूर्ण प्रसाद कृपा दो से मुक्ति होगी, कहते नहीं हमारे यहाँ नहीं, वो तो पहले हो गए ईश्वर कृपा तब जीवन मुक्त हुआ है, उस अलग कोई पराभक्ति हमारे यहाँ नहीं है, ना हम कोई ईश्वर प्रसाद अलग मान रहे हैं कि श्रुति नहीं कर रही है। श्रुति तसे तावद एव कह दिया, एव कह करके अन्य कारणों का व्यावर्तन कर दिया, अन्य मत मान रहे होंगे संभावना थी उन सबको व्यावर्तन कर दिया श्रुति ने। वे कह रहे हैं इत्या श्रुति के द्वारा अस्य उत्पन्न तत्व साक्षात्कार जीवन मुक्त जीवन मुक्त जिसको साक्षर उत्पन्न हो चुका है प्राग कर्म क्षय मात्र अपेक्षणीय, प्राग क्षय मात्र की अपेक्षा है अपेक्षणीय कैवल्य संपत्ति अर्थम विधेय मुक्ति के लिए इति प्रतिपादन है ना, ऐसे श्रुतिगर प्रतिपादन करने के कारण से उससे अलग प्राग कर्म के क्षय के अलग अब ईश्वर प्रदाय अपेक्षा ईश्वर प्रसाद अपेक्षा वक्तुम अशक्यत्वात् कहना बिल्कुल संभव नहीं है। रखते स्मृति पुराण में कहा गया, यदि स्मृति और पुराण श्रुति वृद्ध कह रहा है और तुम उसकी व्यवस्था नहीं दे पा रहे हो, वो प्रमाण सब स्मृति पुराणों का हम अप्रामाणिक कह देंगे या हमारे अनुसार चलो हम उसकी व्यवस्था दे देते हैं आपको, उन स्मृति पुराणों की भी हम व्यवस्था दे देंगे, तो व्यवस्था नहीं दे पा रहे हो और श्रुति विरुद्ध कह रहा है फिर तो अप्रामाणिक है तुम्हारे लिए। स्मृति पुराण आदि नाम श्रुति विरोध है ना स्तुति परत्वात् उसको स्तुति परक मानना पड़ेगा, नहीं तो अप्रामाणिक हो जाएगा। अप्रामाणिक न हो उसके लिए आपको सुस्तुति परक लेनी पड़ेगी, एक बात। दूसरी बात यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्य तस्व आत्मा वृणुते तनुगुण स्वाम इति मुंडका उपनिषद 3.2.13 का यमेव ये वृणते, जिसको ये ईश्वर वर्ण करेगा उसके द्वारा लभ्य तस्व आत्मा वृणते, उसी के सामने जो है उसकी आत्मा खुलता है स्पष्ट अनुभव होता है। पूर्व पक्षी का यहाँ पर अभिप्राय है बिना ईश्वर की कृपा का विधेय मुक्ति नहीं है। यमेव मुक्षुमेव एष ईश्वर वृणुते तेन लभ्य, उसी जीव के द्वारा ही लभ्य है और उसके प्रति ही यह आत्मा अपने स्वरूप को खोलता है। या तो ईश्वर कृपा है
विधि मुक्ति के लिए, कहते नहीं। इति भक्ति चन्न ईश्वर प्रसाद से तत्साक्षात्कार स्वरूप एव उपयोग से बोधि तत्व, यहाँ भी भक्ति जन ईश्वर कृपा को उस आत्मा साक्षात्कार कर स्वरूपावस्थिति में ही उसका उपयोग बता दिया, विधेय मुक्ति में नहीं है ये उपयोग। से बोधि तत्व न स्मृत्यादिनम अपि तद अनुसारित्वाद, स्मृत्यादियों के उसके अनुसरण करते हैं से वैपरीत्य न साध्य साधन भावे मान भावात, और उसके विपरीत चलता हुआ उनमें साध्य साधन भाव की अपेक्षा करने लगोगे तो इसमें कोई प्रमाण नहीं है। त्याग के ऊपर ये मात्र लिख दो और न लिख दो, बाकी काट देना। और इसे विपरीत आप ईश्वर कृपा और विधेय मुक्ति में साध्य साधन भाव मानोगे, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। न च प्रारब्ध कर्म क्षय, प्रसाद विनियोग ऐसा करो, प्रारब्ध कर्म का क्षय करने में प्रसाद का हम विनियोग कर देंगे, साक्षात नहीं है परंपरा ले लो, ईश्वर कृपा से प्रारब्ध कर्म क्षय होगा और प्रारब्ध कर्म क्षय होने से विधेय मुक्ति होगी, परंपरा विधि मुक्ति का कारण मान लो। कहते नहीं, प्रारब्ध कर्म को क्षय ईश्वर भी कर नहीं सकता, उसको भी इंतजार कर, जब वो भी शरीर धारण करके अवतार लेता है, वो शरीर की जो प्रारब्ध कर्म है अवतरित शरीर का, उसके अवतरित शरीर की प्रारब्ध कर्म क्षय होने तक उसको भी इंतजार करना पड़ता है, ईश्वर को भी, वो कैसे दूसरे प्रारब्ध कर्म क्षय कर देगा, कर ही नहीं सकता। भगवान कृष्ण के वर्णन में आता ना, वो कहा भाई अभी समय है, अब क्या करो, अभी मैं नहीं छोड़ नहीं सकता शरीर, वो भी एक बाण लग करके मरना था, अपने मरे शरीर छोड़ा ना, राम जी जैसे विमान आकर चले गए विमान में बैठ करके वैकुंठ लोक, ऐसा नहीं है। उस शरीर का प्रारब्ध कर्म अभिशाप के कारण से बाण से अलग शरीर का छूटना था, बाण से शरीर छूटा, इसलिए अपने आप में समय आने पर उसका नष्ट होना है, फल देकर नष्ट हुआ। इसे प्रारब्ध कर्म का अक्षय ईश्वर कर देगा और उससे हमारा मोक्ष होगा, इसी तरह से परंपरा कार्य कारण भाव भी आप नहीं मान सकते। न च प्रारब्ध कर्म अक्षय प्रसाद विनियोग, क्यों, प्रसाद निरपेक्ष भोग आदेवत सिद्ध है, प्रसाद निरपेक्ष भोग से ही उसकी सिद्धि हो जाती, प्रक्षय की सिद्धि होती है। नाभुक्तम क्षेत्र कर्म दिया देखिए, नाभुक्तम क्षेत्र कर्म कल्प कोटि शतरपी ब्रह्म वैवर्त प्राण उत्तरखंड पांचवा अध्याय पांचवा सर्ग इक्यासीवा अध्याय पचपनवा श्लोक में ये वर्णन किया गया है। इत्यादि वाक्यों के द्वारा प्रारब्ध कर्म का क्षय उपभोग से होता है न कि ईश्वर प्रसाद से, इसे उसका क्षय के लिए ईश्वर प्रसाद की अपेक्षा नहीं रहा। नापि मुक्त ऊंच नीच भाव, अब आइए, उसने उक्त स्वतः ऊंच नीच भाव रहता है मुक्ति में, विधेय मुक्ति में भी, ये उसका कहना ठीक नहीं। तस्य द्वितीय अस्य अपेक्षत्वेन तद असंभवात्, वहाँ तारतम्य के लिए हमेशा दूसरे की अपेक्षा होता है, दूसरे को नहीं तो उसकी अपेक्षा से इसमें कम या उसकी अपेक्षा से इसमें ज़्यादा, ये द्वैत में ही संभव है। और विधेय मुक्ति में एक में वह द्वितीय अवस्था हो गया, दूसरा है ही नहीं, वह तारतम्य कहाँ से आ जाएगा आनंद का, जीवन मुक्त अवस्था में भी हमारे यहाँ तारतम्य नहीं हो सकता, उसी क्षण से उसका तो अज्ञान नष्ट हो गया ना, अद्वैत हो गया, दूसरा है ही नहीं। जो दिख रहा बाल सामान्य ग्रंथ से व्यवहार होगा प्रारब्ध कर्म की वजह से, अरे ये प्रारब्ध कर्म बाधक नहीं होता है उसका आनंद स्वरूप में, तारतम्य है नहीं, तारतम्य तब होता है जब दूसरा हो, उसके अपेक्षा से इसको ज्यादा या कम कहना पड़ेगा, उसका नाम तारतम्य है। और है दूसरा है नहीं, क्यों, परमम साम्य उपैति दिव्यम इति साम्य श्रुतेश्च, उसी मुंडक में कहा परमम साम्यम उपैति, ये कहा है सातिशयत्व मुक्त है स्वर्गादि अनित्यत्व स्यात्, एक और आपत्ति, यदि सातिशय मानोगे तारतम्य मान लोगे फिर वह तुम्हारा मुक्ति भी स्वर्गादि के समान अनित्य होने लगेगा। एक तीसरी बात, अधिक दर्शने दुख द्वेजाजगंच स्यात्, और वहां पर एक की अपेक्षा से दूसरे में अधिक सुख दुख देखने लग जाए तो क्या होगा, वो उससे ज्यादा सुखी है तो देख करके उसको दुख होगा, फिर द्वेष खड़ा हो जाएगा, फिर वहां भी राग द्वेष घुस गया, फिर विधेय मुक्ति क्या है तेरा, बेकार की मुक्ति है, ऐसी मुक्ति लेके क्या करेंगे हम, चाहे जीवन मुक्ति हो चाहे विधेय मुक्ति हो, किसी भी मुक्ति में आप किंचित भी द्वैत मान लिए तो वहां तारतम्य माननी पड़ेगी, तारतम्य मान तो राग द्वेष होके रहेगा,
फिर मुक्ति मुक्ति ही नहीं, व्यर्थ है वो तो। तब पूर्व पक्ष कहता है क्या करें, हमारे पास ऐसे सारे पुराण हैं, ब्रह्मसूत्र में भी ऐसे सूत्र है जिसके से मालूम होते तारतम्य है। अलंबा चौड़ा पूर्व पक्ष बोलेगा, ननु से आरंभ करके अगले पृष्ठ भी नीचे न तक है, नीचे से दूसरी पंक्ति, ननु मुक्तो अतारतम्यम किम भेदभावात, पहले हमारी बात खंडन करेगा, भाई मुक्ति में तारतम्य नहीं है आपने कहा, क्या कारण है, अतारतम्यता का कारण क्या है, भेदभावात एक हेतु, उत सत्व भेदे तत्साम्यात, फिर भी भेद हो रहने के बावजूद भी वो ईश्वर के साथ समानता आ गया, उसमें ईश्वर सम हो गया, परमम साम्यम का है, तत्साम्यात तारतम्य नहीं है, ये कहना चाहते हो आप, तन्ना आद्य श्रुत्या भेद सिद्ध है। पूर्व पक्ष कहता है श्रुति से भेद शुद्ध हो रहा है, वही श्रुति पकड़ेगा बार बार, द्वास पूर्णा सुजा सखाया, स्वेचाशोत्तर में मंत्रोभाग में भी है, मुंडक में भी है, श्वेताशोत्तर में तो वो चार छः में है, इतने श्रुतियों की तरफ भेद सिद्ध किया जा चुका है, और हम भी गए, हम तो भेद खंडन कर चुके हैं, तुम भेद सिद्ध कर चुके बोल रहा, हम तो भेद खंडन कर चुके हैं, इस श्रुति का तात्पर्य बता चुका हो ना अंत्या, ये भेद रहने पर भी वो ईश्वर सम हो गया ना, विधेय मुक्त तो ईश्वर ही हो गया, वो तो परमम साम्यम कह दिया, अतिवतार्थ में नहीं रहेगा, ये भी कहना ठीक नहीं है, साम्यम में जीवेश्वरी हो तो जीवाना मेवा, हम पूछते हैं आपसे साम्य जो कहा गया परमम साम्यम पूर्ण साम्यता किसके साथ, जीव का जो मुक्त जीव का ईश्वर के साथ पूर्ण तारतम्य मैंने पूर्ण साम्यता है, अथवा जितने मुक्त हुए हैं उन जीवों का परस्पर साम्यता है, किसके साथ परमम साम्यम की बात कही गई है, ईश्वर के साथ या अन्य मुक्तों के साथ, क्योंकि एक में अतिथि नहीं ना, ईश्वर के अधीन ये सब रहते हैं, जितने मुक्त हो रहे सब ईश्वर के पास पड़े रहेंगे, वो जितने मुक्त जीव है वहां पर बैठे हुए हैं उनके साथ इसका तारतम्य नहीं है, ये कहना चाहते साम्यता, दो विकल्प इसमें उठा करके खंडन कर रहा है, नाद्य तयोर विभुत्व अणुत्व शेष शेषी भाव स्वातंत्र पारतंत्र आदि ना तारतव्यात, ईश्वर के साथ साम्यता तो हो नहीं सकता, क्यों, ईश्वर है कैसे विभु, जीव उनके मत में क्या है अणु, अणु विभु बराबर कैसे हो सकता कभी, और वो है शेषी ईश्वर, यह है शेष उसका दास, दासों में ना उनके मत में पुरंदर दास केशव दास ये दास वो दास उनके परंपरा चलती द्वैत में, और स्वातंत्र और पारतंत्र भी है, ईश्वर सदा सदा मुक्त हो जाए कुछ हो जाए जीव तो परतंत्र ही रहेगा, ईश्वर आदि नहीं रहेगा ना, ईश्वर क्या तो मेरा कोट का बटन बन जा तो मुक्त कोट का बटन बन के पड़ा रहेगा, इसे तो कहते हैं हम आपके चरण की धूड़ी बने रहने देना, प्रथमा से भागवत वगैरह ये तो प्रार्थना होती है, हमें और कुछ नहीं चाहिए बस आपके चरणों की धूड़ी बना लो, अरे तद्रूपता कोई होता ही नहीं उनके यहाँ, लेकिन जब भक्ति वाले प्रसंगों में वो मांगते मुक्ति, वो मुक्ति इसी तरह के मानते मैं आपके स्वरूप हो जाऊं भले लेकिन तत् ना हो जाऊं, मेरा अस्तित्व अलग बन तुम्हें वह हम नहीं होना, तारतम्य तो इसलिए तारतम्य रहेगा, अनेक ईश्वर आपत्ति, नहीं तो जितने जीव है सब ईश्वर हो जाएंगे तो अनेक ईश्वर हो जाएगा वहां पर, मैंने समुद्र दृष्टांत से एक ईश्वर मिली नहीं मान रहे, वो भी ईश्वर हो गए, ये भी ईश्वर हो गए, अनेक ईश्वर हो गए, फिर सारी सृष्टि की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, अनेक ईश्वर आपत्या जगत प्रवृत्ति योगा जगत प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी, कोई मुक्त ईश्वर कहेगा मैं क्या करना है सृष्टि को बंद करो तो हो जाएगा चौपट, और जो मुक्त ईश्वर था जिसके ये जीव बन के मुक्त हुआ उसके बराबर ईश्वर हो जाने के बाद उस ईश्वर के खिलाफ भी चल सकता है ना ये, तो मैं भी ईश्वर हूँ अब तू कौन होता है, तूने बहुत सृष्टि कर ली बैठ जा प्रलय हम करते इसकी तो सारी व्यवस्था बिगड़ेगा, तद द्वैतारतम्य प्रतिपादक स्मृति भी, और उनके द्वैत वहां पर है और तारतम्य के प्रति स्मृतियां भी हमारे पास है, जगत व्यापार वर्जम इत्यादि सूत्र
उत्कृष्टत्व निकृष्टत्व ग्राहक अनुमान विरोधाच। इतना ही नहीं, हमारे पास स्मृतियाँ भी है, अनेकेश्वरवाद में विश्व की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी और इस अनेकेश्वरवाद हम मान नहीं सकते, केशववाद ही रहेंगे हम। जितने मुक्त हो जाएंगे जीव उनके पास रहेंगे, अलग ही रहेंगे, उनके अधीन ही रहेंगे। प्रमाण भी है, ब्रह्मेशानादिभिर् देवैर् यत् प्राप्तं नैव शक्यते तद्यत् स्वभाव कैवल्यं स भवान् केवलो हरे। अरे देखो, ब्रह्मा हो, ईशान मतलब शंकर हो, आदि देवैर् से भी जो प्राप्तं नैव शक्यते, प्राप्त नहीं हो सकता, जो मैंने कैवल्य आत्यंतिक कैवल्य प्राप्त हो नहीं सकता इनको भी, वह कैवल्य जिसका स्वभाव है स केवलो हरे भवान यत् स्वभाव, वह जिसका स्वभाव है ऐसे जो हरि आप हैं, जो केवल कैवल्य रूप है, ऐसे स्मृतियाँ कह रही हैं। इत्यादि तारतव्य प्रतिपाय स्मृतियाँ तो वाक्यों में स्पष्ट है। जब एक ईश्वर है, विष्णु भगवान मुख्य है, उसको जो कैवल्य है, उसका जो आनंद है, उससे भी कम आनंद ब्रह्मा शिवाजी को है, उससे भी कम, उससे छोटे देवताओं का होगा। तो यहाँ से जो मुक्त गया और देव भाव भी प्राप्त कर लिया, मान लिया जाए, तो उनसे छोटा ही तो रहेगा, तारते में तो आ गई कि नहीं आ गई, ये कहता है गुरु पक्षी। इतने ब्रह्मसूत्र भी प्रमाण दे रहा है, जगत व्यापार वर्जम, जो यहाँ से जाके ईश्वर भाव को प्राप्त भी कर ले, लेकिन जगत व्यापार उसको नहीं मिलेगा, जगत का सृष्टि स्थिति और लय करने का अधिकार नहीं है। भले ईश्वर हो जाए, ये भले ही ईश्वर हो जाए, अनेक ईश्वर वहाँ हो जाएंगे, भीड़ लग जाए ईश्वरों की वहाँ पर, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सभी ईश्वरों को वहाँ पर जगत व्यापार वर्जम कह दिया। भाग्य आनंद लेंगे, भाग्य मौज लेंगे, ईश्वर का सारा भाग्य सुख भोग इनको मिलेगा बराबर। उपासना से जो वहाँ पर गया है ब्रह्म लोक में, वो ब्रह्मा जी के सदृश हो जाता है, समान हो जाता है भले ही, लेकिन उसका जगत व्यापार नहीं रहता है, मुक्ति वाले की बात ही नहीं है। वो सूत्र सिद्धांत जवाब देगा इसका। इतने सूत्रों में भी तारतम्य का वर्णन किया गया, ग्राहक अनुमान और उत्कृष्टत्व निकृष्टत्व ग्राहक अनुमानों के साथ में भी आपका विरोध हो जाएगा। अतएव अद्वैत समझ जीवेश्वर स्वामी का विरोध हो जाता है। चलो जीवेश्वर स्वामी नहीं है, जितने मुक्त जीव है वो कम से कम बराबर होंगे, वो भी बराबर नहीं हो सकते, सबका ज्ञान भी बराबर नहीं होता। भाई ईश्वर का ज्ञान चाहिए ना, और ईश्वर ज्ञान में अनंत गुण है, जो जितने गुणों को जान करके मुक्त हुआ है उसी हिसाब से उसका आनंद रहेगा, जिसे ज़्यादा जान लिया उसको उसको ज़्यादा मिलेगा। तो तारतम्य तो आ ही गया, जीवों का भी परम साम्यता आप नहीं बोल सकते, मुक्त जीवों का ना पे अंत्य नान्त्य ना पे द्वितीय या नान्त्य, जीवान प्रति शेषिणो, जीव के प्रति शेषिणो लक्ष्मी तत्वात् तान प्रति नियामकात् विश्वक्सेनादितश्च इतर जीवानाम निकृष्टत्वात्। जीवों का परस्पर साम्य भी नहीं कह सकते आप, कि जीवों के प्रति प्रधान भूता लक्ष्मी तत्व, जीवों के प्रति परम तत्व कौन है, लक्ष्मी तत्व है, तारतम्य आ गया, प्रधान लक्ष्मी तत्व और कौन है, मुक्त जीव। एक बात, दूसरी बात, तान प्रति नियामकात्, ये जीवन मुक्तों का भी, जो मुक्त होकर यहाँ से वहाँ गए हैं मर करके विदेह मुक्त हो गए हैं, उनका भी नियामक वर्णन किया गया है, उनको भी कंट्रोल करने वाला है, ये भीड़ गड़बड़ ना करे, मुक्तों का भीड़, वहाँ मुक्तों की भीड़ लग जाएगी, वो गड़बड़ ना करे, उनका भी एक नियामक जिसका नाम बताया गया विश्वक्सेन आदि, और भी वहाँ देवता लोग, इनको कंट्रोल करने वाले लोग, नियमन करने वाले लोग, अद्वैतार्थ में आपको मानना ही पड़ेगा। इतर जीवानाम निकृष्टत्व, उन इतर इंद्र जीवों की अपेक्षा, उनकी अपेक्षा से इतर जीवों में निकृष्ट सुख मानना, इतर जीव मैंने ये जो गए हुए मुक्त जीव है, इनमें निकृष्ट सुख मानना पड़ेगा। भाई अधिकारी का अपना सुख अलग होता है, उनको बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, नौकर मिलेगा, और ये जो जाएंगे तो ये खुद उनके यहाँ झाड़ू मारते रह जाएंगे, इनका सुख तो कम ही होना मानना पड़ेगा ना। सही से आनंद सीत्यादि थैत्रियादि श्रुति भी, और श्रुतियाँ भी कह रही है, हाँ सही से आनंद से मीमांसा ते शतम मानुषाणाम आनंदा स एक मनुष्य गंधर्वाणाम आनंद, वहाँ तारते वर्णन कर रहे हैं, वो इन्हीं को मुक्त मान रहे। देखो कर्म और उपासना के बस जाने वालों को भी
उनके हिसाब से विधेय मुक्त मान के व्यवस्था देने की चेष्टा कर रहा है। इत्या श्रुति भी स्मृति भी है, मुक्तानाम विसिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिश्वपि महामुने इत्यादि स्मृति भी। इनके साथ विरोध है दूसरा पक्ष, सर्वश्रेष्ठ का कोटिश्वपि प्रशांतात्म सुदुर्लभ, को करोड़ों में भी, करोड़ों मुक्तों में, करोड़ों विधेय मुक्तों में भी प्रशांत आत्मा जो मुक्त है वो एकादि मिलेगा। जबकि मुक्त कैसे हैं सब, मुक्ताना पे सिद्धानाम नारायण परायण, सब नारायण परायण है। ऐसे करोड़ों में भी एकादि होगा लेकिन प्रशांत आत्मा, हे महामुने ऐसे किसी प्रसंग में कहीं कहा गया है। इतना ही नहीं, इसके लिए भी एक ब्रह्मसूत्र दूसरे पक्ष का भी खंडन ब्रह्मसूत्र ला रहा है, वृत्ति ह्रास भागवम अंतर्भावाद उभय सामंजस्यादेव इत्यादि सूत्रैर उक्त श्रुति तर्कानुगृहित अनुमानैर विरोधाच्छ इति चिन्ह। ब्रह्मसूत्र 3:2:20, वृद्धि ह्रास भागवम अंतर्भावाद, उसमें अंतर्भाव होने से उभय सामंजस्याद, उभय सामंजस्य बनेगा, दोनों व्यवस्था ठीक बने, ईश्वर अपराबार बना रहेगा और मुक्त अपने जय पर बने रहेंगे, कोई आपत्ति नहीं रहेगा। ऐसा वो अपने हिसाब से सूत्रों को लगा रहा है। विधेय मुक्तों में एकाधि प्रशांत आत्मा हो पाएगा, मैं तारतम्य सिद्ध हो गया ना, उसको तो मतलब ये है एक ही अच्छा होता है जो 100% आनंद को पाने वाला, बाकी सब 99 ऐसे के कम वाले होंगे सब, ये तो सिद्ध करना है उसने। और वो जो प्रशांत आत्मा है वो भी ईश्वर के अधीन जगत व्यापार रहित वो भी रहेगा, ईश्वर समकक्ष हो गया किंतु उसके अधिकार नहीं रह जाते सृष्टि बनाने का बिगाड़ने का कुछ भी, ईश्वर से न्यून हुआ कि नहीं, वो भी अन्यों के से बहुत ऊंच स्तर पर है लेकिन ईश्वर से भी न्यून है, तारतम्य सिद्ध हो गया उसके लिए, उसको दूसरे मात्र में सिद्ध करना है। इतना ही नहीं, तर्कानुगृहित अनुमान आदि के साथ भी विरोध हो जाएगा, यदि चिन्ह तो सिद्धांत के समत कहो भेदाभाव न तारतम्य असिद्ध है, भेद का भाव के नाते सबसे पहली बात तारतम्य सिद्ध ही नहीं हो सकता। दूसरी बात यथाच श्रुत्यादर न भेद परतम तथा तो प्रागेव गतम, एद्वास पूर्णादित बातों की व्यवस्था ये हमने पूर्व में ही बहुत अच्छी तरह समझा दिया है, व्यवस्था दे दिया है, इसलिए श्रुत्यादि भेद परक नहीं है, ये बात हम पूर्व में बता चुके हैं। ये तो द्वितीय पक्ष में आशंक्य दूषणम, और दूसरे जीवों का और विधेय मुक्त अनेक होंगे उनके तारते में, ये तो बिल्कुल मूर्खता है तुम्हारी, एक में अद्वितीय बोल रहा हो और दूसरा आया कहाँ से, इसलिए ये जो दूषण है तुम्हारा तत् अकांड तांडवम, तुम्हारा अकांड तांडव है, अनवसर ग्रस्त और अत्यंत असंगत है। क्यों, भेद सत्व अभेदात्मक परम साम्य अभाव, यदि भेद है फिर अभेद आत्मक जो परम साम्य कहा वो श्रुति विरोध हो जाएगा तत्सत्व, और यदि अभेद आत्मक परम साम्य तुमने स्वीकार कर लिया फिर तो भेद से भावत भेद ही नहीं रह जाएगा। अतः दोनों पक्ष इतना विस्तार तुमने जो कहा वो खंडन हो जाता है, बाकी रहा तुमने जो दिया है ब्रह्म सूत्र आदि उसका मैं जवाब देता हूँ।